एनएसयूआई ने हमीरपुर में खेल खेलो नशा छोड़ो अभियान के तहत प्रेस वार्ता की। इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि खेल हमीरपुर कार्यक्रम के तहत एनएसयूआई हमीरपुर मिट्टी से जुड़े हुए खेलों के प्रति लोगों को जागरूक भी करेगी तथा इन खेलों का हमीरपुर जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में खेलों का आयोजन भी करेगी। टोनी ठाकुर ने बताया कि खेल हमीरपुर खेल खेलो नशा छोड़ो अभियान के तहत आगामी माह हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और भोरंज विधानसभा क्षेत्र में तथा बड़सर में भी इस तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य खेल कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। टोनी ठाकुर ने बताया कि इसमें विजेता टीम को 21,000 की नगद राशि इनाम में दी जाएगी तथा उप विजेता को 15,000 की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने बताया कि आगामी माह में कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़सर, भोरंज, हमीरपुर आदि विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। हमीरपुर खेलो अभियान के तहत खिलाड़ियों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाएगा। इन खेलों को करवाने का मुख्य उद्देश्य डिप्रेशन में जा रहे युवाओं तथा नशे में संलिप्त युवाओं को जागरूक करना है, ताकि ये युवा अपना अधिक समय खेलों में व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि खेलों में विजेता टीम को 21,000 रुपए की राशि तथा उपविजेता टीम को 15,000 रुपए की नगद राशि इनाम के रूप में वितरित की जाएगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे को छोड़कर खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लें। टोनी ठाकुर ने बताया कि खिलाड़ियों को अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लाने होंगे, ताकि कोविड जैसी महामारी से बचा जा सके। टोनी ठाकुर ने बताया कि इस दौरान खिलाड़ियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर शरीर का तापमान भी जांचा जाएगा। आज एनएसए हमीरपुर ने खेल हमीरपुर एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए युवा वर्ग हैं, उनको जो है वो भारत के जो मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इन तीनों स्पर्धाओं की जो है वो प्रतियोगिताएं हमीरपुर जिला के अंदर करवाई जाएंगी। और प्रत्येक स्पर्धा में जो प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम है उसको 21,000 रुपये और जो द्वितीय स्थान पर रहेगी उसको 15,000 रुपये की इनामी राशि जो है वो घोषित की गई है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का देखिए, इस टूर्नामेंट का जो करवाने का मुख्य उद्देश्य है वो जो युवा वर्ग है उसको नशे से दूर रखने के संदेश के साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से पूरा कोरोना एपिडेमिक लॉकडाउन लगा था, तो आत्महत्या के दर में भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो है उसके आत्महत्या के जो केसेस है उसके दर में जो है वो बहुत अधिक इजाफा हुआ है। तो जो नेगेटिविटी का माहौल पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर है लॉकडाउन की वजह से, और विशेषकर जो छात्र वर्ग जो है इसकी वजह से जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी का माहौल और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम लोग जो हैं वो इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। और इसमें जो है वो साथ ही हमीरपुर के खिलाड़ी ही इसमें भाग ले सकेंगे, और इसमें जो है इसके जो टूर्नामेंट हैं वो हमीरपुर विधानसभा, बड़सर विधानसभा और भोरंज विधानसभा के अंदर ये टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। प्रतियोगिता में जो है वो सैनिटाइज़र और मास्क और साथ में थर्मल स्कैनिंग का भी जो है वो थर्मल स्कैनिंग का भी प्रबंध किया गया है, ताकि इस कोरोना एपिडेमिक के बीच में जो है एक पॉजिटिव वे के साथ ये टूर्नामेंट जो है वो सम्पन्न हो सके।